सर, आपने मेरे आर्टिकल को इतना ज्यादा एडिट कर दिया है कि अब इसमें कोई सच्चाई नहीं बची। सर प्लीज, आप वापस सब कुछ रिटेन कीजिए। अनन्या, हम इतना कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज नहीं पब्लिश कर सकते। देखो, डिजिटल स्पेस में हम एक छोटी सी कंपनी है और यहाँ सर्वाइव करने के लिए हमें कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे। सर, कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन आप तो झूठ को चलाने के लिए सच को बेड़ियों में बांधना चाहते हैं। अनन्या, ये क्रांति का नहीं भ्रांति का दौर है। और फिर सच झूठ तो नमक हल्दी की तरह है, और सादा खाने वाले तो आजकल न्यूज देखते नहीं, और मसाले के बिना अपनी दुकान। सर, आप चलाइए अपनी दुकान, लेकिन मैं अपनी आवाज को नहीं दबा सकती। आज सच अपनी बेचारगी पे रो रहा है और झूठ की रौनक मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होती। एक सच्चे जर्नलिस्ट के शब्दों पे, उसकी आवाज पे अगर पाबंदियां लगा दी जाए तो नुकसान पूरी मानव जाति को होता है। इसीलिए चाहती हूँ पहले मैं इन अंधेरों से निकलूं, शायद तभी मैं उजाला ला पाऊंगी। कोई है? हेलो, कोई है? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी, दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गलत देखते हैं, दिल में खलबली होती होगी पर चुप बैठते हैं, दूसरे वो जो गलत को गलत कहने से डरते नहीं। अनन्या एक ऐसी लड़की थी, उभरती हुई जर्नलिस्ट। लेकिन ये कहानी सिर्फ अनन्या की नहीं है, हमें उनसे सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है। लगता है कि हाँ, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, पर उस गलत को सही करने के लिए हम कुछ नहीं करते। लेकिन नेबर्स का कहना है ये घर हमेशा बंद रहता था। अगर ये घर बंद रहता था तो फिर ये लड़की यहाँ कैसे? सर, मैंने मकान मालिक को बुलवा लिया है। सर, मुझे नहीं पता है लड़की कौन है, और दो दिन पहले मैंने ये घर किराए पे दिया था। किसको किराए पे दिया? राम बहादुर नाम है सर उसका। फोन लगा इस राम बहादुर को। जी जी सर। सर, फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है, इसका फोन नंबर और रेंट एग्रीमेंट की कॉपी दो हमको। सर, एक्चुअली एग्रीमेंट तो बना ही नहीं था सर। क्यों? सिर्फ डील हुई थी। मकान पसंद आया सचिन जी, थैंक यू। ये लीजिए 3 महीने का रेंट एडवांस। अरे थैंक यू वेरी मच जी। जी, एग्रीमेंट के लिए आपके आधार और पैन कार्ड की कॉपी दीजिए मुझे। जरूर जरूर, पर क्या है ना कि मेरे आधार कार्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत छप गया था, उसको ठीक करने की अर्जी दी हुई है मैंने, 3-4 दिन में आ जाएगा, फिर उसके बाद एग्रीमेंट कर लेंगे। जब तक मैं रहने आ जाता हूँ। बिना एग्रीमेंट के, बिना पुलिस एनओसी के अपना घर एक अनजान आदमी को रेंट पे दे दिया, अब उसका नंबर नहीं लग रहा है। सर, मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो गलत आदमी होगा। वो कहाँ का रहने वाला था? उसने कुछ एड्रेस दिया था अपना, पता है उसका आपके पास? सर, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि वो यूपी का रहने वाला है। यूपी में कहाँ? वो सर नहीं पता मुझे। पता करो राम बहादुर कहाँ पर है, और इस मकान मालिक सचिन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है ये सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि एक प्लैंड मर्डर हो, और इस लड़की की पहचान पता करो। जी सर। सर, यहाँ पे स्कूटी खड़ी है, मैंने आसपास लोगों से पता किया है, ये किसी की भी नहीं है। सर, हो सकता है इसी लड़की की हो। देखिए चक्रो। कुछ नहीं है सर। MS-12, ये तो पुणे का नंबर है, पुणे RTO से कांटेक्ट करो, पता करो ये स्कूटी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके सर। सर, सचिन ने जो हमें राम बहादुर का नंबर दिया था, वो नंबर तो फेक आईडी का निकला। इसका मतलब सचिन ने गलत आदमी को अपना घर रेंट पे दिया था। उसने एग्रीमेंट के लिए 2-3 दिन की मोहलत मांगी और तीसरे दिन उसके घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सर, वो स्कूटी जो हमें उस घर के बाहर मिली थी, वो उसी लड़की की थी जिसकी ब्लास्ट में मौत हुई थी। रजिस्ट्रेशन पेपर पर लड़की का नाम अनन्या मूले लिखा है, पुणे के भाकरवाड़ी का एड्रेस है। उस लड़की के पुणे के एड्रेस पे जाओ, मकान मालिक सचिन से राम बहादुर का स्केच बनवाओ। हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो आदमी है कौन। यस सर। एक बच्ची बेहोश पड़ी। अभिषेक, क्या हुआ? सर, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पे आती होगी। एम्बुलेंस का वेट मत करो, मेरी गाड़ी से भेजो तुरंत। ओके सर, चलो जी, लेके जाइए। है कौन ये बच्ची? मालूम नहीं सर, इस आदमी ने बताया कि ये यहाँ भीख मांगा करती थी।
सर मुझे कहाँ रहती है बच्ची, इसका परिवार कहाँ है? सर मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन लड़की को कई बार यहाँ भीख मांगते हुए देखा हूँ। अभिषेक पता करो ये बच्ची कौन है, इसका कोई अपना है या फिर अनाथ है? ओके सर। रचना बेटा, ऐसा नहीं है कि तेरी माँ और तेरी नानी को मेरी फिक्र नहीं है। क्या कर रही है बदमाश? सॉरी नानी माँ। मेरी एक्टिंग कर रही थी। नानी माँ, हाँ? मैं सोच रही हूँ कि आपका बुढ़ापा मैं ले लूँ और मेरा बचपना आपको दे दूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैं उसने राम बहादुर का ये स्केच रेडी किया, उसका कहना है कि राम बहादुर ऐसे ही दिखता था। सर लड़की आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन उसका सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसकी बॉडी पर कई बर्न मार्क्स भी और उसके वाउंड्स में स्टील और आयरन के टुकड़े भी गड़े हुए मिले, और उसके अलावा उसकी बॉडी पर कई पुराने घावों के निशान भी हैं जिन्हें देख के लगता है कि बच्ची को काफ़ी पीटा जाता होगा। पुलिस स्टेशन के कोई साइन? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो बेटा, बेटा क्या नाम है आपका? डरो मत, बिल्कुल मत डरो बेटा, बिल्कुल मत डरो। बेटा एक बात बताओ, ये चोटें कैसी लगी आपको? प्लीज आप बाहर जाइए। तेरी बच्ची भीख मांगा करती थी, हो सकता है कि इससे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती और ना मांगने पर इसे मारा पीटा जाता हो, इसीलिए इसके शरीर पर पुराने घाव के निशान हो। सर मैं ऐसे गिरोह का पता करता हूँ जो बच्चों से भीख मंगवाने का काम करते हैं। लेकिन हमें यह भी पता करना होगा कि बच्ची के साथ अभी क्या हुआ है, जो उसकी बॉडी पर बर्न मार्क्स और उसके घावों में आयरन और स्टील के टुकड़े मिले हैं। सर अनन्या पुणे के भाकरवाड़ी में अकेली रहती थी, यहाँ आसपास उसकी फैमिली के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और सर ना ही किसी ने यहाँ पे राम बहादुर के स्केच को आइडेंटिफाई किया है। उसके घर की तलाशी लो, हो सकता है राम बहादुर से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए। और ये भी पता करो कि अनन्या पुणे से यहाँ मुंबई क्यों आई थी। सर पड़ोसियों से पता चला कि अनन्या nationsvoice.com के वेब पोर्टल पे एक प्रेस रिपोर्टर थी। अनन्या से जुड़ी हर एक बात पता करो। जी सर। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची के शरीर पे जो बर्न मार्क्स है वो 15 से 18 घंटे पहले है, और वो जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था वो भी कोई 15 से 16 घंटे पहले हुआ था। और सर वो बच्ची हमें जहाँ मिली थी वहाँ से ब्लास्ट की लोकेशन लगभग आधा किलोमीटर ही दूर है, और फोरेंसिक वालों का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट में आयन के छोटे छोटे टुकड़े फ्लाई करते हैं, हो सकता है जब ये ब्लास्ट हुआ वो बच्ची वहीं पर मौजूद हो, वो बच्ची जहाँ जहाँ भीख मांगती थी, पता करो शायद वहाँ पर उस बच्ची को कोई पहचानता हो। ओके सर। हेलो, मैम अनन्या यहाँ काम जरूर करती थी लेकिन कुछ महीनों पहले उसने जॉब छोड़ दी थी। हमें अनन्या की लाश मुंबई के क्या? जी अनन्या की डेथ हो गई है, और जिस आदमी ने उस घर को किराए पे लिया था वो ये है, क्या आप जानते हैं इसे? नहीं मैम। अनन्या की फैमिली में कौन कौन था? मैम एक्चुअली उसकी कोई फैमिली नहीं थी, अनाथ थी वो, अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी, लेकिन जर्नलिज्म को लेकर काफ़ी एम्बिशियस थी और पैशनेट थी, और सोशल मीडिया पर भी उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी। आज मेरी सोशल मीडिया चैनल के पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। काफ़ी दिलखुश लड़की थी मैम, हम सबको अपना परिवार मानती थी। अगर अनन्या आप लोगों को अपना परिवार मानती थी तो उसने यहाँ पे जॉब क्यों छोड़ दी? एक्चुअली मैम उसने अपना एक ब्लॉग शुरू किया था रेज इनर वॉइस के नाम से, तो वो अपना पूरा टाइम उस ब्लॉग को देना चाहती थी इसीलिए उसने जॉब छोड़ दी। माना अनन्या की कोई फैमिली नहीं थी लेकिन उसका कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड? अरे अनन्या तुम घर नहीं गई अभी?
अभी तक काम कर रही हूँ? सर मेरा घर बहुत बोरिंग है, वैसे भी घर जाके मुझे सो ही जाना है ना, तो सोचा थोड़ा और काम कर लेती हूँ। अच्छा आप इस नहीं मैम। सर अनन्या पुणे से मुंबई किस कारण से आई थी उसका तो कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन सर अनन्या के घर से हमें कुछ पेपर्स मिले और उन पेपर्स पे मुंबई के कुछ एड्रेसेस लिखे थे, लेकिन सर जब मैंने उन एड्रेसेस को वेरीफाई किया तो पता चला कि ऐसे कोई एड्रेसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन अनन्या मुंबई के फेक एड्रेस लिखकर अपने पास क्यों रखेगी? सर यही चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। सर वो रेज इन अ वॉइस नाम से एक न्यूज ब्लॉग चला रही थी, हो सकता है वो मुंबई कुछ इन्वेस्टिगेट करने आई हो। अनन्या के सोशल मीडिया से उसके आर्टिकल ब्लॉग्स सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ अच्छे से स्कैन करो, और हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो बच्ची कौन है। उस बच्ची से बात करने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं, शायद उस बच्ची से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेगा मी सर। सर दहिसर पुलिस ने हमसे कॉन्टैक्ट किया था, दो दिन पहले उन्हें उनके एरिया में एक लाश मिली। सर किलर ने कोई क्लू नहीं छोड़ा है और ना ही पुलिस को राम बहादुर की बॉडी के पास से कुछ मिला है, लेकिन सर सचिन ने हमें जो राम बहादुर का नंबर दिया था मैंने उसके कॉल डिटेल्स चेक किए, उससे लास्ट कॉल अनन्या को किया गया था। पूना की रहने वाली अनन्या यहाँ मुंबई में राम बहादुर के घर में मारी जाती है सिलेंडर ब्लास्ट में, राम बहादुर के उसी घर में जो उसने 3-4 दिन पहले ही रेंट पे लिया था, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के, और उसके बाद राम बहादुर भी मारा जाता है। बेटा मैं तुमसे कुछ पूछूं उसका जवाब दोगी मुझे? ये देखो क्या तुम इन लोगों को जानती हो? अरे वाह खुशी, तुमने तो इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा है, मतलब तुम स्कूल में भी जाती हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो। तो उस बच्ची का नाम खुशी है और वो बच्ची स्कूल भी जाती थी, उसने अपने स्कूल का नाम बताया कुछ? नहीं सर, इसके अलावा तो उसने और कुछ नहीं बताया, लेकिन सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली बच्ची है, अच्छे परिवार की लगती है। अगर वो बच्ची एक अच्छे परिवार की थी तो मुंबई की सड़कों पर भीख क्यों मांग रही थी? क्या वो बच्ची चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार थी या उसकी कहानी का कोई और ही पहलू था? आखिर वो बच्ची पुलिस को कुछ बता क्यों नहीं रही थी? ऐसा कौन सा डर था जो उसे सता रहा था? और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उस साइट पर क्या कर रही थी जहां अनन्या सिलेंडर ब्लास्ट में मारी गई? अब इस छोटी सी बच्ची की असल पहचान जानने के लिए पुलिस ने सभी पुलिस हेडक्वार्टर्स में इसकी फोटो सर्कुलेट कर दी, साथ ही साथ अनन्या से रिलेटेड भी पूछताछ चल रही थी। सर ये अनन्या के ऑफिस की बाहर की फुटेज है ब्लास्ट से कुछ दिन पहले की, और सर इस फुटेज में राम बहादुर भी नजर आ रहा है अनन्या और उसके बॉस के साथ। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि अनन्या के बॉस ने राम बहादुर को आइडेंटिफाई नहीं किया था। जी सर। पता करो अनन्या का बॉस क्या छिपा रहा है। सर वो बच्ची खुशी, उसे पुणे पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। सर वो बच्ची 8 महीने पहले अपनी माँ के साथ पुणे से लापता हुई थी। सर ये उसकी माँ है, कुसुम नाम है सर इसका। लेकिन इस केस में तो बच्ची का नाम रचना है, जबकि डॉक्टर प्रिया को उस बच्ची ने अपना नाम खुशी बताया था। अच्छा अब आप जल्दी से आंख बंद करो, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा हाथ दो। अरे वाह रचना। थैंक यू बच्चा। वेलकम। आपको अच्छी लगी ना, और मुझे पहन के दिखाओ। एक काम करो मैं ही आपको पहनाती हूँ, हाथ दो। कभी कभी तो लगता है कि मैं नहीं तू ही मेरी माँ है। ये बच्ची हमें मुंबई में मिली थी, हमें पता चला कि ये वहाँ पर भीख मांगती थी, और हमें ये भी शक है कि मुंबई के घर में सिलेंडर ब्लास्ट के दौरान ये बच्ची वहीं पर मौजूद थी। ये अनन्या है और ये राम बहादुर, इन दोनों का इस मिसिंग केस से कोई कनेक्शन मिला था क्या? एक्चुअली ये केस सब इंस्पेक्टर विनय शिंदे हैंडल कर रहे थे और उन्होंने ये केस बंद कर दिया था, उनके यहाँ से ट्रांसफर हो गई, अब ये केस मैं स्टडी कर रहा हूँ। जहाँ तक हम लोगों ने इस केस को स्टडी किया उससे तो यही लग रहा है कि इस केस की कोई खास इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। आपके यहाँ तो ये केस बंद हो गया है, लेकिन हमें इस बच्ची को इसके परिवार से मिलवाना है, और हमें यह भी पता लगाना है कि इस बच्ची की माँ पिछले 8 महीने से कहाँ गायब है। ये सिलेंडर ब्लास्ट के 3 दिन पहले की फुटेज है, लेकिन आपने तो कहा था कि अनन्या ने यहाँ पे महीनों पहले जॉब छोड़ दी थी, और इस CCTV फुटेज में आप और अनन्या दोनों इस राम बहादुर के साथ नजर आ रहे हैं, और उस दिन तो आपने राम बहादुर को पहचाना तक नहीं था। मैम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। हाँ अनन्या जरूर आया करती थी जॉब छोड़ने के बाद मिलने के लिए कभी कभी। एक मिनट रुकी, ये फुटेज देखने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ये आदमी उस दिन
अनन्या से मिलने जरूर आया था। मैडम नमस्ते, एक मिनट। वो एक्चुअली एक ही झलक देखी थी तो ज्यादा याद नहीं रहा। मुझे लगा अनन्या का इन्फॉर्मर होगा, शायद उसको कुछ बताने आया होगा। अनन्या का इन्फॉर्मर? जी मैम, जैसे आप पुलिस वालों के इन्फॉर्मर्स होते हैं वैसे हम जर्नलिस्ट के भी इन्फॉर्मर्स होते हैं। लेकिन उस दिन इसकी अनन्या के साथ बात क्या हो रही थी वो मुझे नहीं पता, बट शायद अनन्या का इन्फॉर्मर ही था। अगर राम बहादुर अनन्या का इन्फॉर्मर था तो राम बहादुर ने अनन्या को क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी, और राम बहादुर ने वो घर किस मकसद से रेंट पे लिया होगा जिसके सिलेंडर ब्लास्ट में अनन्या मारी गई, और फिर उसके बाद राम बहादुर क्यों और किसके इशारे पर मारा गया? हमें पता चला है बेटा कि तुम तुम्हारी माँ के साथ कहीं गई थी, फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ सर, कुसुम और उसकी बेटी यहीं रहते थे, मेरे किराएदार थे। कुसुम और उसकी बेटी रचना 8 महीने पहले अचानक से गायब हो गए। कुसुम ने कभी मकान खाली करने के बारे में कुछ कहा था आपसे? नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनका सारा सामान वामान यहीं पड़ा था। मुझे तो लगता है उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अच्छा, कुसुम का पति मनोहर वो उस वक्त कहाँ था? सर वो तो नाम का पति है, वो मनोहर अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता तक नहीं था, एक नंबर का बेवड़ा है सर। सच कहता हूँ, इस मनोहर को अपनी बीवी और बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। ओह, तेरे आशिक ने तेरे लिए ये चूड़ियां भिजवाई हैं। देखिए आप फिर से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं उल्टा बोल रहा हूँ और तू जो उल्टा कर रही है वो मेरे पीछे उसके साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है तू। नहीं पापा, नहीं मत मारो। क्या कुसुम का वाकई में किसी के साथ चक्कर था जो उसका पति मनोहर शक करता था उस पर? सर पहले तो सबको लगता था कि कुसुम का पति उस पर गलत शक करता है, लेकिन जब कुसुम अपनी बेटी के साथ यहाँ से चली गई तब लोग ये कहने लगे कि कुसुम शायद किसी आदमी के साथ भाग गई होगी। मनोहर के अलावा किसी गैर मर्द का आना जाना था क्या कुसुम के घर पे? सर इतना तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ जिस दौरान ये सब हुआ उस दौरान मैंने देखा कि एक साधु कुसुम के घर पे आता जाता था। सर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि आखिर कुसुम ने एक साधु को अपने घर के अंदर क्यों ले लिया। कौन था वो साधु? सर वो तो मुझे नहीं मालूम। कुसुम का पति मनोहर वो इस वक्त कहाँ है? सर सुना है कि वो सामंतवाड़ी में कहीं रहता है। जाधव तू सामंतवाड़ी जाओ, मनोहर के बारे में पता करो। सर अभिषेक, प्रिया रचना को लेके यहाँ पुणे उसकी पड़नानी के घर पहुँच रही है, हम वहाँ जा रहे हैं। सर हमने रचना से बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन रचना अपनी माँ के बारे में हमें कुछ नहीं बता पा रही। जब आपने कंप्लेन लिखवाई थी तो आपने लिखवाया था कि रचना और रचना की माँ कुसुम दोनों साथ में गायब हुए थे। जी, उस समय मैं उनके साथ नहीं थी। मैं भी शांति जी, हमें पता चला कि रचना के घर किसी साधु का आना जाना था, आप जानती हैं किसी साधु? साधु नहीं साहब जी, बिल्कुल नहीं। हमें यह भी पता चला है कि कुसुम का पति मनोहर कुसुम पे शक करता था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। आपको एक नंबर का झूठा है वो। ये तो कुसुम की किस्मत खराब थी कि मनोहर के प्यार के चक्कर में पड़कर उसके साथ उसने भागकर शादी कर ली, इसीलिए मेरे दामाद यानी कुसुम के पिता ने उसके साथ सारे संबंध तोड़ दिए। फिर कुछ महीनों के बाद कुसुम के पिता का देहांत हो गया। बाद में हमें पता लगा कि मनोहर कुसुम की बेटी हुई है रचना। उसके प्यार ने हमारी सारी दूरियां खत्म कर दी थी। प्रिया जी, जब तक कुसुम नहीं मिल जाती है तब तक हम रचना को आप ही के सुपुर्द कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, उसे निर्मला के घर छोड़ दीजिए। कौन निर्मला? कुसुम की माँ यानी मेरी बेटी रचना की नानी। हाँ जाधव सर, कुसुम के पति मनोहर के घर पे तो ताला लगा हुआ है, पता करो वो कहाँ है, जल्द से जल्द थाने में हाजिर करो उसको। ओके सर।
एक्सक्यूज मी, ये कहिए। हमें निर्मला जी से मिलना। यहाँ कोई निर्मला नहीं रहती। रचना, आपने हमसे ये क्यों कहा कि यहाँ पे कोई निर्मला नहीं रहती? क्योंकि अब इसका नाम शगुप्ता है। साहब जी, कुसुम के पिता के देहांत के बाद मैंने मुरीद जी के साथ शादी कर ली थी, और शादी के बाद इन्होंने, मेरा मतलब है कि मैंने अपना नाम शगुफ्ता रख लिया था। लेकिन कुसुम आपकी बेटी है और रचना आपकी नातिन, फिर भी आपके होते हुए इन दोनों की मिसिंग कंप्लेन आपकी माँ शांति देवी ने करवाई। जब ये दोनों मिसिंग हुए थे आप इनके कॉन्टेक्ट में थी, लेकिन उन्होंने रचना को अपने पास रखने से मना कर दिया। आप रचना की कस्टडी लेने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं साहब, हम इस बच्ची को अपने साथ नहीं रख सकते। क्यों, ये नानी है रचना की? देखिए साहब, मैं मानता हूं कि मेरी बीवी का इस बच्ची के साथ रिश्ता जरूर है, लेकिन सर मैंने कुसुम के 8 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें किसी साधु का नंबर नहीं मिला, और ना ही कोई ऐसा क्लू मिला है जिससे ये पता चले कि कुसुम किसी साधु के टच में थी। कुसुम का 8 महीने पहले फोन कहाँ पर बंद हुआ था? सर उसके घर वाले एरिया में 21 अक्टूबर को करीब 12 बजे के आसपास उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था, और सर लगभग 11 बजे के आसपास कुसुम के पति मनोहर ने उसे लास्ट कॉल किया था। इस मनोहर के पास कुसुम और रचना को गायब करने का मोटिव तो है। सर जिस रात कुसुम गायब हुई थी उस रात मनोहर का एक बारटेंडर के साथ झगड़ा हुआ था, मारपीट के आरोप में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। सर अभी 1 महीने पहले ही रिहा हुआ है। कैसे भी करके पता करो कि अभी कहाँ है मनोहर। ओके सर। सर मैंने अनन्या द्वारा लिखी गई सभी आर्टिकल्स, सभी न्यूज़ रिपोर्ट्स को स्टडी किया। सर वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लिखती थी, और इसी वजह से उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। बॉस के खिलाफ मिला कुछ? सर फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन सर ये एक आर्टिकल है जो मेरा ध्यान खींच रहा है, जो अनन्या ने 8 महीने पहले लिखा था। और सर इस आर्टिकल में मेंशन है कि अनन्या को पुणे के सड़क पे एक बच्ची मिली थी। सर अनन्या ने उसे पुणे के उसी एनजीओ में भर्ती किया जहां वो खुद पली बड़ी थी। सर ये देखिए, उस आर्टिकल में इस लड़की की फोटो भी है, लेकिन अनन्या ने उसका चेहरा ब्लर कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बच्ची है ये रचना ही है? क्योंकि रचना भी 8 महीने पहले अपनी माँ कुसुम के साथ पुणे से गायब हुई थी। एक काम करते हैं, एनजीओ वाले से मिलते हैं जहां पर अनन्या पली बढ़ी थी। हाँ सर, अनन्या हमारे यहाँ ही पली बढ़ी है। बहुत दुख हुआ यह सुनकर कि अनन्या अब इस दुनिया में नहीं है। 8 महीने पहले अनन्या एक बच्ची को लेकर आई थी यहाँ पर। उस बच्ची को लेकर अनन्या ने एक आर्टिकल भी लिखा था। ये वो बच्ची? वो तो पल्लवी थी जो 8 महीने से हमारे एनजीओ में ही रह रही है। बेटा क्या आपका नाम पल्लवी है? बहुत ही प्यारा नाम है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम अनन्या दीदी को जानती हो? हाँ, वो ही मुझे लेके आई थी। ठीक है, अभी तुम जा सकती हो। संजना जी, इस आदमी को जानती हैं? जी नहीं, हम नहीं जानते। सर आपको क्या लगता है ये रचना हो सकता है ना हो, पर हम इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे ज्यादा पता लगाना ये जरूरी है कि रचना पुणे से मुंबई कैसे आई, पिछले 8 महीने से उसकी माँ कुसुम कहाँ गायब, कि राम बहादुर कौन, और अनन्या को क्यों और किस मकसद से मारा गया। जी सर। हाँ जाधव। सर मनोहर का पता चल गया। साथ, साथ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कुसुम कहाँ पर है। साथ साहब मेरी बात सुनिए साहब, कुसुम और रचना के गायब होने के काफी समय पहले मेरा उसके साथ में तलाक हो चुका है साहब। मुझे तो उनके बारे में पता भी तब चला था जब मैं जेल में था। लेकिन कुसुम के गायब होने से पहले कुसुम की आखिरी बार तेरे से बात हुई थी 21 अक्टूबर रात 11 बजे, कुसुम ने तुझे कॉल किया था? हाँ किया था, लेकिन जैसे मैं वहां से बाहर निकला नशे की हालत में बारटेंडर से टकरा गया साहब। उसे नोक झोंक हो गई, मैंने 2-3 टेक दी उसको, उसकी नाक से खून बहा, उसने पुलिस को फोन करके मुझे अंदर करवा दिया। ये भी तो हो सकता है कि कुसुम के घर तूने किसी को भेजा हो ये सब कांड करने के लिए, और उसने कुसुम के फोन से तुझे अपडेट किया कि काम हो गया है, और उसके बाद जानबूझ के तूने बारटेंडर से झगड़ा गया, तू जेल गया, तू जेल में जाकर बैठ गया ताकि तेरा ये जुर्म सामने ना आए, यही हुआ ना? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा यकीन कीजिए आप। तो शक करता था कुसुम पे,
कि कुसुम का किसी के साथ अफेयर है। वो तो था, मुझे पता था उसका अफेयर चल रहा है उस रजत के साथ में। कौन रजत? एक सेल्समैन है। ये दो रखो आप, मैं और देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतने में हो जाएगा बस। कितने हुए इसके? अरे आपसे पैसे लूंगा क्या? आप ये प्रोडक्ट यूज करो, आपके लिए फ्री है। ए, अंतर अपना ये नाटक और निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। और तू बता, तेरे को अपना सामान फ्री में क्यों दे रहा है ये? बोल क्या चल रहा है तेरा इसके साथ में? उस दिन के बाद भी मैंने रजत को कई बार कुसुम के साथ देखा। तू रचना के बारे में कोई बात नहीं कर रहा? तू बाप है उसका, बेटी है वो तेरी, उसको पालना पोसना तेरा फर्ज बनता है, तेरी जिम्मेदारी बनती है। साहब मैं अपनी नशे की हालत से वैसे ही परेशान हूँ, नशा मुक्ति केंद्र जाने की सोच रहा हूँ, मैं कैसे पाल पाऊंगा उसको? सर वो मनोहर कुछ भी बोल रहा है सर। सर सच तो ये कि कुसुम मनोहर से तंग आ गई थी। वो मालूम है मैं। अब तू ये बोल, तू कैसे जानता था कुसुम को? सर मैं घर घर जाके सामान बेचता हूँ, सेल्समैन हूँ सर। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तो कुसुम के घर के बाहर जाके बैठा हुआ था, बस वहीं पहली बार मुलाकात हुई थी उनसे। सॉरी वो काफ़ी देर हो गई थी और भूख लग रही थी तो मैं यहीं खाने लगा। अरे कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ के खाइए। थैंक यू। ये लीजिए। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे इसमें क्या है? बातों बातों में सर पता चला कि कुसुम का आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, बस उसके बाद में उसकी ज्वेलरी भी घर घर जाके बेचने लगा था। सर हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं, हम सिर्फ काम की वजह से एक दूसरे से मिला करते थे। सर मैं तो खुद हैरान हूँ कि वो और उनकी बेटी अचानक से कहाँ चली गई। सर मैंने रचना से दोबारा बात की है और इस बार उसने बताया कि उसकी मम्मी का मर्डर हो चुका है। What? किसने किया था मर्डर? बेटा तुम्हारी माँ को जिसने मारा क्या वो इनमें से कोई था? देखो ये देखो। आपकी माँ को कहाँ मारा गया था? उस वक्त आप और आपकी माँ कहाँ थे? अंकल से डरने की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम्हारी माँ को किसने मारा। पुलिस वाले ने मारा। बेटा क्या वो पुलिस वाला था? माना हम एक ट्रॉमेटाइज बच्ची की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते, पर एक बार को अगर हम मान लें कि कातिल कोई पुलिस वाला ही है तो फिर वो कौन होगा? जनरल जी मैंने कुसुम के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें मुझे पुणे के सब इंस्पेक्टर विनय शिंदे का पर्सनल नंबर मिला। कुसुम और रचना के गायब होने के 2-3 दिन पहले उनकी विनय शिंदे से बात हुई थी। अब कुसुम का वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर था इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि कुसुम को वो उसके गायब होने के पहले से ही जानता था। एक बार मिलना पड़ेगा इस विजय शिंदे से। देखिए उनके गायब होने से पहले कुसुम ने एक बार अपने पति मनोहर की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। मनोहर उससे मारपीट करता था और मैंने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था और कुसुम को अपना नंबर देकर बोला कि ऐसा कुछ हो तो वो मुझे फोन करे। तुम दोनों की सिर्फ इसी वजह से बातें होती थी? आप तो उल्टा ही मतलब निकाल रहे। कुसुम और उसकी बेटी रचना के गायब होने के बाद तुमने सिर्फ नाम की इन्वेस्टिगेशन की थी। आपको मालूम भी है अपने पति की मारपीट की कंप्लेंट लिखवाते वक्त उसने मुझे क्या बोला था? साहब मुझे अब मनोहर से कोई रिश्ता नहीं रखना, एक बार मेरा उससे डिवोर्स हो जाए फिर मैं अपनी बेटी के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। तो सिर्फ तुमने इस वजह से ये मान लिया कि कुसुम अपनी बेटी रचना को लेकर अपनी मर्जी से कहीं चली गई? इन्वेस्टिगेशन भी की थी लेकिन जो आपको फाइल में नहीं मिला वो आज मेरी पर्सनल डायरी में, लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया था। तो हमें गुमराह करने के लिए अपनी पर्सनल डायरी भी दिखाओगे? आप तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। कोई एविडेंस है आपके पास कि ये सब मैंने किया है? सब इंस्पेक्टर विजय शिंदे इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन हैरान करने वाली बात यही थी कि एक केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या सच में खुद उस केस का क्रिमिनल होगा? पता नहीं पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी या नहीं। मनोहर और रजत भी इस केस में सस्पेक्ट थे, पुलिस उन्हें सही तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही थी या नहीं? और फिर वो साधु कौन था जिसे अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी? वहीं अनन्या और राम बहादुर केस भी रुका पड़ा था। सर रजत की एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है जिनमें मुझे ये वीडियोज मिले और इन वीडियो में रजत अलग अलग गेटअप में है, कभी डॉक्टर कभी लॉयर, और एक वीडियो में तो वो साधु भी बना था, ये देखिए। और सर जब मैं रजत की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रही थी तो मुझे कुसुम की सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में भी पता चला। सर कुसुम रजत के सारे वीडियोज लाइक करती थी और कुछ वीडियोज में तो कमेंट भी करती थी। जाधव फैंसी ड्रेस का बहुत शौक है तुझे, सोशल मीडिया चेक किया हमने तेरा?
बहुत सारे वीडियोस हैं तेरे, अलग अलग गेटअप है। हाँ तो मैं समझा नहीं सर। समझाए? वो सारे के सारे वीडियो उस घर में बने हैं जहां पर कुसुम अपनी बेटी रचना के साथ रहती थी। अलग अलग गेटअप में मिलने जाता था तो कुसुम से। सर वो सब मैं कुसुम को खुश रखने के लिए करता था सर। मनोहर ने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई थी। मैं बस कुसुम की जिंदगी में कुछ रंग लेकर आना चाहता था। तू कुसुम की जिंदगी में रंग नहीं लाया, बल्कि तूने कुसुम की जिंदगी बेरंग कर दी। मार डाला उसको। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं कुसुम से प्यार करता था सर। प्यार करता था तो कुसुम के डिवोर्स के बाद तू उससे शादी भी करना चाहता होगा, है ना? तो तुम्हारा डिवोर्स भी हो गया है कुसुम, हम शादी कर लेते हैं। नहीं रजत, मैं अब किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती। हम दोस्त हैं, हम दोस्त ही रहेंगे। दोस्त? तुमने कहा था तुम शादी करोगी मुझसे, अब मुकर कर रही हो? हाँ चिल्लाओ मत, मैंने कहा ना मैं तुमसे अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा तो इतने दिनों से घुमा रही हो तुम मुझे, या कोई और मिल गया है? तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचोगे ये मुझे पता ही नहीं था। तुम निकलो यहाँ से, निकलो और आइंदा अपनी शक्ल में दिखाना मुझे। और इस सब का बदला लिया तूने, उसे खत्म करके। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर सर, अनन्या और खुशी का कनेक्शन मिल गया है और ये भी पता चल गया है कि राम बहादुर किसका आदमी था। किसका आदमी था? अभिषेक सर, क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ आ जाओ। एनजीओ की आड़ में बेकरी रैकेट चला रहे थे तुम लोग, और तुम्हारा ये असिस्टेंट, इसकी एक एक एक्टिविटीज पे नजर थी हमारी, सब पता कर लिया हमने तुम लोगों के बारे में। राम बहादुर भी तुम्हारा याद नहीं था ना? जी सर। बेटा आपका नाम क्या है? एक्चुअली ये बहुत ज्यादा सदमे में है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही है, लेकिन मैंने इसका एक नाम रखा है, खुशी। अनन्या उस बच्चे को हमारे एनजीओ में भर्ती करा कर वापस चली गई थी, और हमने भी उस बच्चे को सारे बच्चों के साथ भीख मंगवाने के लिए भेज दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद अनन्या वापस आई, वो खुशी से मिलना चाहती थी। अनन्या तुम टेंशन मत लो, उसे एक अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। सच में वो बहुत लकी है जो तुम उसे यहाँ ले आई। अनन्या हमें पूछने लगी कि उस खुशी को किसने अडॉप्ट किया है। उस दिन तो हमने जैसे तैसे टाल दिया था, पर उसे हम पर शक हो गया था, और मेरी एब्सेंस में मेरे स्टाफ को रिश्वत देकर खुशी और दूसरी बच्चियों के एडॉप्शन पेपर चेक करना चाहती थी। और जति ने मुझे सब कुछ बता दिया, वो हमारा भाड़ा फोड़े। इससे पहले हमने सोचा कि हम ही उसे रास्ते से हटा देते हैं। और राम बहादुर ने अनन्या को वो पेपर देकर कहा कि एनजीओ से ये सारे फेक एड्रेस मिले हैं। फिर एक दिन राम बहादुर ने घर मैं कमिंग सर। कमिंग सर, विनय शिंदे ने अपनी डायरी के साथ हमें कुछ पेन ड्राइव दिए थे, और उन पेन ड्राइव में कई सारी सीसीटीवी फुटेजेस की क्लिप्स है 8 महीने पहले की, जो कुसुम के घर के आसपास की है। सर ये ऑटो अक्सर कुसुम के घर के आसपास दिखाई देता था। विनय शिंदे ये फुटेज और पर्सनल डायरी देकर आखिर साबित क्या करना चाहता? सर पहले हमने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन सर ट्रांसफर के पहले उसने वाकई कुछ ऐसे क्लूज इकट्ठा किए थे जो केस फाइल में मेंशन नहीं थे। तो तुम कहना चाहती हो जिसका ये ऑटो है उसका इस केस के साथ कनेक्शन हो सकता है? किसका होगा ये ऑटो? साहब आपको कुछ गलतफहमी हुई है, वो मेरा ऑटो नहीं है। तेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया हमने। कुसुम की माँ ने बताया हमसे, तेरा बाप मुरीद तेरी शादी कुसुम से करवाना चाहता था। मनोहर ने तो तुम्हें कभी खुश रखा नहीं, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें बहुत खुश रखेगा, शादी कर ले इससे। अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? आपने मेरी माँ से शादी कर ली ना, उनको संभालिए, दोबारा मुझे अपने बेटे से शादी करने के लिए मत कहना। बहुत घमंड था साहब उसको खुद पे, लेकिन मैं उसको पाना चाहता था, हमेशा उसके घर के आसपास चक्कर लगाता था। मैंने देखा साहब कैसे हो रहा था उसके साथ, भेज बदल बदल के सोशल मीडिया का नया नया किल करता था। मुझे लगा उसको ये सब पसंद है साहब, तो सब उस दिन मैं भी अपना गेटअप बदल के। मैं बस ये आशा करती हूँ कि रचना अनन्या से प्रेरित होकर अपने पाँव पे खड़ी हो, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने। साथ ही मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि अगर आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग की तरह का कोई मामला देखते हैं जो आपकी आंखों को खटकता है, तो आप तुरंत एक्शन लें, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो एक सुरक्षित समाज की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.